हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैंने ले ली है ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी और इसको मैंने कर लिया अच्छे से वॉश। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिप बाम और एक लिप मसाजर जो कि मैं स्ट्रॉबेरी से बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये ले लिया है एक स्ट्रेनर नहीं सॉरी ये कद्दूकस और एक खाली बाउल, जिसमें स्ट्रॉबेरी मैं इसको घिस के रख लूँगी एक या दो, जिसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी बन जाती है लिप बाम की या मसाजर की। ये इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ, जिन लोगों के होंठ थोड़े से काले हो जाते हैं, हम लोग कई तरह की लिपस्टिक यूज़ कर लेते हैं, कई ब्रांड यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो लिप्स है उनका जो नेचुरल कलर होता है वो धीरे धीरे जो है वो चेंज होने लगता है। इसलिए आज मैंने स्ट्रॉबेरी ये ले ली। ये देखिए जरा, ये इसका इस तरह से पेस्ट अच्छा सा बन जाता है। आप इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, ये वैसे भी हो जाता है। तो मैंने इसमें लिया है अभी एक टेबलस्पून चीनी। चीनी जो है वो एक इसलिए मैंने ली है क्योंकि ये एक स्क्रब का काम करता है। अगर आपके होंठ अगर थोड़े से भी अगर फटे होंगे या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होगा, तो अगर आप अपने होंठों को लगातार अगर स्क्रब करेंगे तो आपके होंठ जो है वो स्मूथ हो जाएंगे। इसलिए मैंने ले लिया ये कोकोनट ऑयल, और इससे ताकि आपके लिप्स को जो है वो पूरा मॉइस्चराइजेशन मिले, इसलिए तो मैंने एक स्पून जो है थोड़ा सा ही ये कोकोनट ऑयल ले लिया है, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें आपको और किसी भी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ये बहुत ही अच्छा होम रेमेडीज़ है, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। इसको रेगुलर बेसिस पे 15 दिन लगाएंगे तो आपको खुद समझने आएगा आपके लिप्स का जो नेचुरल कलर है ना वो ऑटोमेटिकली आने लगेगा, और या फिर जो कालापन होगा वो धीरे धीरे लाइट होने लगेगा। ये एकदम तो नहीं जाएगा, ये कोई ऐसा कोई रामबाण नहीं है कि एकदम जाएगा, बट इसके रेगुलर यूज़ करने से ये होगा कि आपका धीरे धीरे जो कलर है ना नेचुरल कलर आपके होठों में आने लगेगा। बस आपको अपने जैसे मैं भी अपने हाथों में ट्राई करके दिखा रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको लिप्स में ना अपने मसाज करनी है डेली। कम से कम 5 मिनट इस तरह से आप अपने लिप्स में से रब करना है इस पेस्ट को, और अच्छे से मसाज करनी है। ये इस तरह का पेस्ट बना हुआ है, इसमें से आप थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल के अगर आपके पास कोई खाली डिब्बी हो रख के आप फ्रीजर में रख सकते।